फिर एक नई सुबह देखने के योग्य बनाने वाले परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। भजन संहिता 107 उसका सातवां वचन, और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। अनुग्रहित वचन को आधार मानकर बसने की जगह ले जाने वाला मार्ग, इस विषय पर आइए मनन करें। मेरे प्रियो, हम अभी कितने ही सुंदर भवन और शहर में निवास करते हैं, लेकिन उस भवन को, उस शहर को, उस देश को छोड़ने का वक्त आ गया है। इस बात को समझकर हमें निवास करने का भवन, वह नया यरूशलेम, वो पवित्र शहर, उस नए आकाश और नई भूमि के लिए हमें तैयार होना है। उस नए यरूशलेम तक पहुंचने के लिए हमें उस ठीक मार्ग पर चलाने वाला परमेश्वर ही है। आज रहने के लिए घर हो या ना हो, शहर हो या ना हो, एक नियुक्त घर, एक नियुक्त शहर यहाँ नहीं बल्कि वहाँ है, ऐसा दर्शन देखकर हमें आगे बढ़ना है। इस बात को समझकर एक गीतकार ने इस प्रकार गाया, हे जीवन के सफर के यात्रियों, तुम्हारा कदम किस ओर है, नाश की ओर है या जीवन के मार्ग की ओर है? यदि हम स्वयं के मार्ग पर चलने के कारण उस नए शहर में पहुंचने में असफल होते हैं, तो परमेश्वर से कुड़कुड़ाने से कोई लाभ नहीं। कई बार इज़राइल के लोग स्वयं की इच्छा पर चलकर परमेश्वर को कोसते थे। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय उसका 14 वचन के शुरुआती भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। इसलिए हे मेरे प्रियो, उस नए शहर की ओर का मार्ग न्याय का मार्ग है। प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय उसका 30वां वचन, उस तीसरे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत है, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। और दूसरी बात, उस नए शहर की ओर का मार्ग ठीक और सच्चा है। दूसरा शमूएल 22वां अध्याय उसके 31वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर की गति खरी है, इसलिए हे मेरे प्रियो, ईश्वर के न्याय, सत्य और खरे मार्ग पर चलकर सांसारिक जीवन की यात्रा पूरी करें और हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा तैयार किए हुए शहर नए यरूशलेम में पहुंचने वाले बने। परमेश्वर हम सब की मदद करें। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि उस शहर की ओर जाने वाला मार्ग किस प्रकार का है। हम 21वें वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, मोतियों से बना हुआ फाटक और नगर की सड़कें स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए जो भवन बनाया है, जो शहर बनाया है, वह सर्वोत्तम शहर और सर्वोत्तम भवन क्यों है? 21वां अध्याय हमें सिखाता है कि वहां आंसू नहीं, वहां दुख नहीं है। हर आंखों के आंसुओं को वह पोछ डालेगा। वहां मृत्यु नहीं, शोक नहीं और विलाप नहीं और ना ही पीड़ा है। वहां पहुंचने पर सब एक आवाज में कहेंगे, इट्स ओवर। दुख, शोक, विलाप, पीड़ा, सारी बातें जाती रही, सारी बातें बीत गई, अभी खत्म नहीं हुआ। उस शहर में रात नहीं होती, वहां परमेश्वर के तेज से उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। वहां अपवित्र वस्तु का प्रवेश निषेध है, घृणित काम करने वाला और झूठ को गढ़ने वाला प्रवेश नहीं करेगा। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के 17वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि आत्मा कहती है, आ। प्रियो, यदि उस शहर की ओर उस सीधे मार्ग से हम यात्रा करते हैं तो हमारे कानों में यह शब्द सुनाई पड़ेगा, आ। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे कानों में यह शब्द सुनाई देगा कि बाहर निकल जा। मेरे प्रियो, हमारा मार्ग
कुकर्म करने, हत्या करने, मूर्ति पूजा करने या बढ़ाई मारने वालों के समान ना होने पाए। इसके विपरीत सीधे, सच्चे और न्याय के मार्ग पर चलने वाले बने तो हमारे कानों में यह शब्द सुनाई देगा, आ, और हम उस नगर में प्रवेश करने पाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार सीधे मार्ग पर चलने वाले बने। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र पिता, इस संसार के भवन, शहर, देश तो नाश हो जाएंगे, परंतु जो सदा काल तक बना रहेगा वह भवन, नए शहर यरूशलेम में हमारे लिए आपने तैयार किया, उसके लिए धन्यवाद। उसमें प्रवेश करने के लिए हमारे जीवन को उस ठीक मार्ग पर चलने के लिए हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में आमेन।